हम आज आपको 10 ऐसी चीजें बताएंगे जिनका सेवन आप अपने काम काज के दौरान भी कर सकते हैं, जिनमें ज्यादा मेहनत नहीं लगती और ज्यादा कीमत भी नहीं लगती, लेकिन ये चीजें पौष्टिक होने के साथ ही वेट लॉस में भी आपकी मदद कर सकती हैं। आपको हम बताते हैं वो इन दस चीजों के बारे में। आप बने रहिए हमारी वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है विधु भूषण और आप देख रहे हैं दिनकर इंडिया लाइव। आज हम आपको 10 चीजें बताएंगे जिनको खा करके अपना आप वेट लॉस कर सकते हो। अगर आपका वेट पहले से ही ठीक ठाक है तो उसे आप मेंटेन भी कर सकते हो। आज 10 ऐसी चीजें आपको बताऊंगा जिन्हें आप चाहे तो ट्रेवल में हो या अपने काम के सिलसिले में मार्केट में हो या ऑफिस दफ्तर में हो, वहां भी आप आसानी से इन 10 चीजों को खा सकते हैं और उन्हें खा करके आप अपने वेट लॉस में हेल्प कर सकते हैं, अपना वेट मेंटेन भी रख सकते हैं। सबसे पहली चीज मैं जो आपको बताऊंगा वो चीज है नारियल पानी। तो आप अगर ऑफिस दफ्तर या मार्केट में कहीं भी नारियल पानी दिखे तो आप उसे भी पी सकते हैं। दूसरा चीज हुआ फ्रूट्स। आप बर्गर, चाउमीन, पिज्जा वगैरह खाने के बजाय आप फ्रूट्स को तरजीह दें। फ्रूट्स में आप थोड़ा बनाना अवॉइड करें, एप्पल वगैरह, ऑरेंज वगैरह आप खा सकते हैं। तीसरी चीज है सैलेड। सैलेड का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में थोड़ा बोरिंग सा ख्याल आता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। थोड़े से प्रयास से सैलेड को भी इंटरेस्टिंग बना सकते हैं, जैसे कि आप उसमें चाट मसाला, मैगी मसाला मिला करके, प्याज टमाटर वगैरह काट करके भी इसमें आप इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। और दाल मखाने को भी फ्राई करके स्नैक के रूप में ले सकते हैं और ये भी आपके भूख को, क्रेविंग को कम करता है और एनर्जी चूंकि कम होती है इसलिए आपको वेट लॉस में मदद करता है। स्प्राउट्स खा सकते हैं। आपके स्प्राउट्स में आप चाहे मूंग के स्प्राउट्स, चने के स्प्राउट्स और मोठ के, तमाम दालों के स्प्राउट्स बनते हैं, उनके स्प्राउट्स आप खा सकते हैं। स्प्राउट्स न सिर्फ, इसमें ज्यादातर फाइबर होता है जिससे आपको देर तक भूख लगती है और पेट साफ करता है और वेट भी आपका लॉस करता है। इसके अलावा आपके सामने एक और विकल्प है, दही और छाछ आप कैरी कर सकते हैं। क्रेविंग पे जब आप भूख लगती है तो आप दही और छाछ का सेवन करें और दही और छाछ से आपको एनर्जी भी मिलेगी और आपको कम कैलोरी मिलने के कारण से आपका वेट लॉस भी होगा। इसके अलावा दही और छाछ में प्रोबायोटिक्स पाए जाते हैं जो हमारी आंतों में जाकर के हमारे पेट को भी साफ करते हैं और वेट लॉस में काफी मदद करते हैं। गर्म पानी में ग्रीन टी का सेवन आप करें और दिन में 2-3 कप अगर ग्रीन टी का सेवन करते हैं तो ये आपके भूख को कंट्रोल करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है जो कि आपकी टमी एरिया के फैट को रिलीज करने में काफी मददगार है। आपको अगर ग्रीन टी अच्छी नहीं लगती है तो ग्रीन टी से भी एक बेहतरीन सुझाव मेरे पास है, वो हर्बल लाइफ का फ्रेश एनर्जी ड्रिंक है। आप उसका इस्तेमाल करें, उसका टेस्ट भी बेहतर है, उसका इफेक्ट भी बहुत अच्छा है। अगर आप उसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे आई बटन में फ्रेश एनर्जी ड्रिंक की एक वीडियो होगी, उसको आप देख लीजिए। अगर आप अंडे खा सकते हैं तो आपके लिए बहुत बेहतरीन है उबले हुए अंडे। अगर आप उबले अंडे लेते हैं तो भरपूर मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है जो आपके वेट लॉस में बहुत ही इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, क्योंकि प्रोटीन से आपकी मसल्स तो बनती ही है, साथ में ही ये काफी देर से पचता है इसलिए आपको भूख भी नहीं लगती। पनीर, देखिए पनीर वैसे तो लोग कहते हैं फैट पाया जाता है, लेकिन फिर भी ये बर्गर, पिज्जा और आपके जो फास्ट फूड है उससे बेहतर ही होता है। और आप ज्यादा ही कुछ सिंसियर हैं तो आप पनीर की जगह सोया पनीर या टोफू भी ले सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन ऑप्शन आपके पास है ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में काजू अवॉइड करिए और किशमिश अवॉइड करिए। बादाम और अखरोट अपने साथ कैरी कर सकते हैं और भूख लगने पर 10-12 बादाम, 2-3 गिरी अखरोट आप खा करके भी अपने भूख को शांत कर सकते हैं। तो ऐसे आपने देखा, हमने आपको आज 10 चीजें बताई जिन्हें आप अपने ट्रेवल्स में, अपने काम के समय भी आप खा करके अपने वेट को बढ़ने से रोक सकते हैं और बढ़ते हुए वजन को घटा भी सकते हैं, क्योंकि ये चीजें काफी कम कैलोरी की हैं, पौष्टिक हैं, ज्यादा देर तक आपके भूख को रोके रखती हैं, इसलिए आपका वेट लॉस करने में आपको आसानी होती है और साथ ही आपको अपना वेट मेंटेन करना भी आसान हो जाता है। आज तक के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।